ना तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। एन आइसोट्रोपिक आपको बता दिया, आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट मैंने क्या कहा है, इसको अगर मैं कोई शार्प नाइफ से कट करूंगी तो स्लाइड सॉलिड को, तो ये जो सरफेस क्रिएट करेगा वो बिल्कुल स्मूथ एंड रेगुलर बनेगा। दैट मीन्स इसका क्लेवेज प्रॉपर्टी है। तो जो सरफेस बनेंगे जब प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल रेगुलर एंड स्मूथ बनेंगे। दिस इज क्लेवेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे नो क्लेवेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई क्लेवेज प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? एंड उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है ये। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फिक्स होगा मेल्टिंग पॉइंट इसका। इसका बार बार मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा इरेगुलर दिखाता है। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हियर। मैम अब अलाउ कर दीजिए प्लीज रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ अगर यहाँ पे कहीं पे बीच में अगर मेल्ट थोड़ा होने लग गया या फिर ऐसा है, तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने के बाद फिर मेल्ट करता है। मतलब ये बार बार बीच बीच में डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉफ्ट होता रहता है और फिर हार्ड होता रहता है, फिर सॉफ्ट होता है, फिर हार्ड होता है। मैं आपको फिर एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको और कम्फर्टेबल लगेगा इन दोनों के बीच जानने के लिए। पता है आपको सॉलिड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? रबर, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया एंड ऑल पॉलीमर्स, इसी के अंदर आते हैं अमॉर्फस के। और आपको पता है आप रबर को, एक रबर का पीस ले लो और उसे कट करो नाइफ से, जो फेस निकलेंगे या जो फेस दो प्लेन जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या रेगुलर रहेंगे या स्मूथ रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे? आप कभी एक रबर का टुकड़ा ले लेना, इरेजर होता है उसको ले लेना और उसे शार्प नाइफ से काट के देखना और मुझे बताना कि वो जो सरफेस क्रिएट हो रहे हैं वो 100% इरेगुलर सरफेस बनेंगे। क्यों इरेगुलर बनते हैं? उनकी ज्योमेट्री ही नहीं है फिक्स्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटेंट फ्यूजन वगैरह जो होता है काफी शार्प होता है। अगर एक टेम्परेचर में इसे मेल्ट करना है तो उसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कई बार इसके जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। इसमें से जो क्वेश्चन देंगे कि अंदर से आप निकाल के लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? दीज आर टू सॉलिड्स। थोड़ा सा मुझे एग्जाम्पल के लिए कुछ स्पेस तो चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगी। क्लियर है ना? और ये जो होते हैं सूडो सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताऊंगी मैं आपको। ये होते हैं सूडो सॉलिड होते हैं और सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है इन्हें। These are solids, but they are known as super cool liquid. ठीक है? अच्छा,
ये ट्रू सॉलिड होते हैं ना, एक्चुअल सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड के प्रॉपर्टी, सॉलिड तो है बट ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं लिक्विड के, कई बार ऐसा होता है। अच्छा ये क्या होता है देखो, अच्छा इसके दो एग्जाम्पल रीजनिंग क्वेश्चन आपको दे सकते हैं एग्जाम में, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने देखा होगा जो काफी पुराने बिल्डिंग्स होते हैं ना, काफी ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं, वहां पे जो विंडोज वगैरह होते हैं ना, विंडोज अगर ग्लास से बने हुए होते हैं तो उनमें थोड़ा सा मिल्कीनेस आ जाता है। आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, आपके घर भी अगर काफी दिन पुराना बना हुआ घर है तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो ग्लासेस के पोर्शन होते हैं विंडोज में, वो थोड़ा मिल्कीनेस उसमें आ जाता है। किसी किसी ने ऑब्जर्व करा है उसे इस चीज को? यस मैम, स्कूल की बिल्डिंग में किया था। होती है, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल सबसे बेस्ट एग्जांपल स्कूल ले सकते हो, स्कूल काफी पुराने होते हैं तो वहां पे आपने, आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। किसकी ट्रांसपेरेंसी? ग्लासेस का, जो विंडोज में जो रहते हैं, जो जिससे बनाया हुआ होता है विंडोज वगैरह, उसमें जो ग्लास होते हैं ना उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है वहां पे। आप दूसरी तरफ अगर देखना चाहो तो थोड़ा सा मिल्कीनेस आता है ग्लासेस के ऊपर। वो क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि पहले वो, इसका एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले ये दे दूं तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, उसके बाद एक ट्रू सॉलिड क्या है, सूडो सॉलिड क्या है एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो ऑल एलिमेंट्स, जितने सारे एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं ना, एंड कंपाउंड्स, जितने एलिमेंट्स कंपाउंड्स मोस्टली हैं, वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएंगे। अभी एमएफएस सॉलिड के अंदर क्या क्या आएंगे? इसके अंदर आएगा आपका प्लास्टिक आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 7 point, तो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आ जाएगा ग्लास, ठीक है, रबर, प्लास्टिक एंड पॉलीमर। विजिबिलिटी है नीचे देख लो पर, है ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। क्या बोल रहे हो? वुड बोल रहे हो? वुड किसमें आएगा? वुड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है वो, वुड कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, वो इसके अंदर आएगा। क्लियर है? आपको क्या बताया गया है? मैंने यहाँ पे ग्लास बताया है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है, अच्छा पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, किसमें आएगा वो? डेफिनेटली पॉलीमर्स अगर है वो भी पॉलीमर्स, टेफ्लॉन वगैरह वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा अब हम चलते हैं कि बिकॉज ग्लास एमर्फस सॉलिड के अंदर आता है, इसका मतलब ग्लास एमर्फस सॉलिड है। अच्छा तो जब नया कहीं पे बिल्डिंग बनाया जाता है तो आपने देखा होगा जो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत बेहतरीन होती है, एकदम क्लीन रहती है ग्लास, रहती है काफी साल जाने के बाद हम देखते हैं तो वो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता, उसके बाद ग्लासेस जो होते हैं विजिबिलिटी थोड़ा खराब हो जाता है, आप नहीं देख सकते हो, आर पार नहीं देख सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है देखने में। आप स्कूल की बिल्डिंग के बाद अगर आप करो तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? अगर आप ये दे सकते हैं, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स द ग्लासेस, ग्लास विंडोज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स दे लुक्स मिल्की, पूछा जाएगा, एक्सप्लेन बोला जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो एमर्फस सॉलिड होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ, अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड कर दूं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एमएफएस सॉलिड को अगर मैं पूछ सकते हैं आपको कैट, कौन सा कंडीशन में एमएफएस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होता है? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगी बहुत बार, अगर बढ़ता रहेगा टेम्परेचर, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा टेम्परेचर, अगर चेंज हुआ तो एमएफएस सॉलिड स्लो प्रोसेस में जाता है और धीरे 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 करके वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो थोड़ा ऑर्डर्ड हो जाता है, रेगुलर ज्योमेट्री वाला बनने लग जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद ग्लास में के ऊपर मिल्कीनेस आ जाता है। उसके बाद पहले ग्लास नया अगर आप कहीं पे ग्लास का वो बनाओगे तो दैट इज एमर्फस सॉलिड, वो प्रॉपरली एमर्फस सॉलिड है, वो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा दिखाएगा, वहां पे एकदम क्लीन रहेगा।
कुछ सालों के बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिक है बिल्डिंग के ऊपर, बार बार टेम्परेचर है, समर सीजन ले लो हमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ क्या होता है धीरे धीरे वो जो ग्लास है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनने लग जाता है और मिल्कीनेस उसमें आ जाती है। ठीक है, तो क्लियर है ग्लास में मिल्कीनेस क्यों आती है, आप लिखोगे इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लास इज नोन एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, एक्सप्लेन। आपको बता दिया है मैंने कि अमर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, क्यों कहते हैं, डेफिनेटली कुछ लिक्विड का प्रॉपर्टी होगा वो दिखाता होगा तभी हम उसे सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है ग्लास जिसको हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, क्या सूडो सॉलिड कहते हैं, फॉल्स सॉलिड कहते हैं? आप एक्चुअली क्या होता है देखो, जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत साल बीतने के बाद ग्लास में मिल्कीनेस आ जाता है, कहा ना, सिमिलरली बहुत साल होने के बाद आपने ये, मुझे नहीं पता आपने ऑब्जर्व करा है कि नहीं करा है, अगर ग्लास, अगर विंडो ग्लास से बनी हुई है तो काफी सालों के बाद धीरे धीरे क्या होता है नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ता है, ऊपर की तरफ जो है वो थीनर होने लगता है। काफी साल बीतने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको साफ साफ दिखेगा कि लिक्विड ग्लास जो है वो फ्लो हो रहा है, आपको साफ नहीं दिखेगा, ये तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर ग्लास विंडो बनी हुई है तो ग्लास विंडोज आर थिक एट द बॉटम देन एट द टॉप, टॉप की तरफ वो थोड़ा थीनर होते हैं, पतला होते हैं, थीन होते हैं, धीरे धीरे थीन होते जाते हैं ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि नीचे की तरफ, मैंने तो बनाया था प्रॉपर ग्लास का विंडो बनाया था, नीचे थिक हो गया और ऊपर थीन हो गया, इसका मतलब ग्लास फ्लो करता है और बहुत स्लो मैनर से फ्लो करता है जो कि मुझे नहीं दिखती है। That means glass की property liquid की property के साथ same है, जैसे liquid flow करता है वैसे glass भी flow करता है। That's why this is known as super cold liquid कहते हैं हम amorphous solid को, glass को। आपने ये भी देखा होगा कि जब नया बनता है ना, तो जब आप मान लो ये window है और ये glass से बना हुआ है, तो जब मैं उसे ऐसे हिलाती हूँ तो कुछ नहीं होता है, आवाज नहीं होता है, फिक्स्ड फॉर्म रहता है पूरा। कुछ सालों के बाद आप उसे हिलाना देखना, वो हिलने लगेगा ग्लासेस, थोड़ा बहुत आवाज देने लग जाता है, हिलने लगता है थोड़ा सा, देखा है। हाँ जी, आप देखा होगा स्कूल के भी बिल्डिंग होते हैं वहां पे भी ग्लासेस को आप देखना ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो थोड़े बहुत, अगर बहुत पुराना स्कूल है वो हिलने लगेंगे ग्लासेस। क्यों हिलने लगते हैं, एक तो फिक्स मैंने ऊपर भी नहीं करा था, फिक्स नीचे भी करा था, एकदम फॉर्म्ड मैंने उसे लगाया था। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतने के साथ साथ, साल के बाद, दो साल के बाद, पांच साल, दस साल के बाद क्या हुआ, वो जो ग्लासेस है ना बहुत स्लो तरीके से वो नीचे फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते नीचे थीकर हो जाता है, ऊपर जो है वो थीन हो जाता है, ऊपर थीन होता है, फ्रेम के कंपेरिजन में ग्लास थीन हो गया, इसका मतलब है ग्लास भी लेगा उस क्वेश्चन में। ये भी एक ग्लास की प्रॉपर्टी है, that's why these are known as super solids or super cooled liquid, if pseudo solid or super cooled liquid भी कहते हैं। तो questions बस नहीं आते इसमें से, और ज्यादा कुछ आते नहीं है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ये basically, इसके ऊपर questions हैं, तो कुछ कुछ questions हैं, आप चाहे तो NCERT में, जैसे कि मैं आपको दो तीन questions करवा देती हूँ, तो मैंने आपको करवा ही दिया है क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी और भी क्लासेस है, नहीं तो मैं आपको कल आपको पढ़ाऊंगी बाकी बाइंडिंग फोर्स को लेके, एंटामोलेक्युलर फोर्स को लेके कितने पार्ट में डिवाइड करे हैं, क्या है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आप एक कंप्लीट करो। मैं एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, काफी तो इससे, इसके अलावा भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, और अगर हो सके तो एक काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा, जो मैंने आपको नोट्स भेजे है ना, ये अगर आप किसी भी तरीके से, अभी तो आपके शॉप वगैरह सारे खुल गए हैं, अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा, सामने रख के पढ़ोगे, दैट इज बेटर अगर पॉसिबिलिटी है तो। ये मोबाइल से छांट के पढ़ना, मैं चाहती हूँ ना जब मैं आपको ये पढ़ाऊँ तो आपके पास नोट्स हो तो बेटर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये है, काफी सारी चीजों के साथ साथ तो
तो ये आप कर सक कर लेना। यहाँ पे ना एनसीईआरटी में ये तो देंगे नहीं, बहुत बहुत ज्यादा तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते, एनुअल एग्जाम में इतने सारे टॉपिक हैं, बट हाँ थोड़ा अगर आ जाए तो मार्क्स क्यों आपको गलत क्यों होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछने थोड़ा कम्फर्टेबल करने के लिए, फिर मैं अच्छा आज आपको अटेंडेंस में लिया नहीं है ना, अटेंडेंस भी लिया नहीं है तभी मैं लेती हूँ अटेंडेंस लेती हूँ। जैसे पूछा गया है why are solids rigid, ये क्वेश्चन थोड़ी आपको देंगे, बट आपका कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, Would it show cleavage property? क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो आज एक बार देख भी लेना। ठीक है, पूछा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, कौन सा सॉलिड होगा जिसका सारे डायरेक्शंस में सेम वैल्यू आते हैं, कौन सा सॉलिड होगा वो? आइसोट्रॉपिक सॉलिड, आइसोट्रॉपिक और यू कैन कॉल इट एमर्फस सॉलिड होगा वो, बिकॉज सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यूज आते हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, नो क्लीवेज प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन है व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा यहाँ पे, क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी भी फ्लो करने की एक प्रॉपर्टी होती है ग्लास की, जस्ट लाइक अ लिक्विड, वो भी धीरे धीरे फ्लो करता है, और आपको यहाँ पे एग्जांपल देना पड़ेगा, जस्ट लाइक द बॉटम ऑफ द ग्लास विंडोज आर थिकर एज कंपेयर टू द टॉप पोर्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड आप बोल सकते हो। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो, एक बार देख लेना। ठीक है ना, ओके, कल हम फिर ज्योमेट्री वगैरह देखेंगे, इसका काफी कुछ है इसमें। ये बीच में तो एक दो साल, एक साल के लिए शायद ये नहीं था, इसको आउट ऑफ कोर्स बना दिया था, आउट ऑफ सिलेबस, अभी फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसको तो करना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज करा रही हूँ तो मैं भी करा देती हूँ, कि एक तो आपको मैंने बताया कि क्या करने पर एमर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्या बताओगे आप? चेंज विद टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली एमर्फस जो है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड एमर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अच्छा क्वार्ट्ज का नाम सुना है, क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट जब वो एमर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होता है हम उसे कहते हैं ग्लास। अभी क्वार्ट्ज जो है वो कौन से कंडीशन में एमर्फस सॉलिड या ग्लास में कन्वर्ट होता है अगर पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करोगे? अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं मेल्ट करूंगी और इमीडिएट रैपिड कूलिंग करूंगी, अगर मैं इसे मेल्ट करूंगी और रैपिड कूलिंग करूंगी, धीरे धीरे कूल नहीं करना आपको, बहुत रैपिड फॉर्म में कूलिंग करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली एमर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। देख थोड़ा कंसेप्ट जान लो कि अगर एमर्फस को क्रिस्टलाइन में करना है तो स्लो प्रोसेस से टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, बार बार चेंज होना चाहिए, बट क्रिस्टलाइन को एमर्फस में कन्वर्ट करना है तो पहले मेल्ट करो फिर रैपिड कूलिंग करो उसे, ऑटोमेटिकली वो एमर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्ज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लास। ठीक है, तो ये भी आपको दे सकते हैं इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, अब मैं क्लास खत्म करूंगी, बस फटाफट से मुझे आप अटेंडेंस दे दो। क्लास मेरे ख्याल से कितना, 4 बच्चे आ चुके हैं, अच्छा कोई बात नहीं,
तो आप मुझे ठीक है, मैं फटाफट से आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ, मुझे बता देना ठीक है, जस्ट जस्ट प्रियांशी प्रेजेंट मैम, यस रिया प्रेजेंट मैम, हिमांशी प्रेजेंट मैम, दीपांशी प्रेजेंट मैम, स्नेहा, स्नेहा शायद आई है आज, प्रेजेंट है, यस ज्योति प्रेजेंट मैम, गुड सागर, सागर प्रेजेंट है, भाग्यनाथ प्रेजेंट मैम, आप लोग नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सारे बच्चे आ गए हो, बाकी दिन क्यों नहीं आते बच्चे, चैप्टर जिस दिन मैम पढ़ाएंगे उस दिन आएंगे, जिस दिन टेस्ट है, जिस दिन डाउट क्लियरिंग क्लास है उस दिन छुट्टी करेंगे, है ना, है ना भाग्यनाथ, ओके हर्ष, हर्ष प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट मैम, अमन प्रेजेंट है, प्रेजेंट मैम, ओके मोहित प्रेजेंट है, मोहित प्रेजेंट है, नो मैम मोहित प्रेजेंट नहीं, हाँ बता दो अगर किसी को आपको पता है तो मुझे बता सकते हो, उदय प्रेजेंट है, प्रथम प्रेजेंट है, स्पर्श प्रेजेंट है, आई थिंक देखना मुझे बताना, प्रथम प्रेजेंट है, प्रथम तुमने कहा था मुझे कि अगर मैं रेगुलर हो जाऊंगा तो आप सॉलिड चैप्टर स्टार्ट कराना मैम, और तुम कल भी नहीं आए थे, तुम परसों भी नहीं आए थे, और उससे पहले भी नहीं आए थे, यस बट मैंने अपनी बात रखी है और मैंने सॉलिड स्टार्ट करा दिया है, तुमने अपनी बात नहीं रखी है, ठीक है, हाँ 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 तुम लोग तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखोगे नहीं, है ना, क्लास में प्रेजेंट होना ठीक है ठीक है ठीक है, लीव करना है, प्रेजेंट रहा करो, हाँ जिसका हो गया है लीव कर जाओ, और आदित्य प्रेजेंट है, आई थिंक आदित्य प्रेजेंट है, और कौशल, ओजस एंड रिदिम, ठीक है, और ये तीनों शायद प्रेजेंट है, ओजस रिदिम का तो पता है, कौशल का मुझे एक बार बता दो, बाकी दोनों का पता है मुझे, यस कौशल प्रेजेंट है, नो मैम कौशल प्रेजेंट नहीं है आज, अच्छा ठीक ओके, बाकी आस्था प्रेजेंट है, आस्था एब्सेंट है, वंशिका प्रेजेंट है, आंचल प्रेजेंट है, या फिर आप आए थे और लीव कर गए हो क्लास खत्म होने के साथ साथ, वंशिका एंड आंचल, ये डाटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अटेंडेंस का, ठीक है ना, तो वंशिका आंचल एब्सेंट है, सनोबर एंड आशी, आशी तो प्रेजेंट थी आज, सनोबर एंड आशी, हाँ आशी प्रेजेंट है, सनोबर ठीक है, ऋषिता एंड मानवी ऋषिता प्रेजेंट है, मानवी भी प्रेजेंट है, ओके एंड देन अमन अनुराग एंड अंकित तीनों प्रेजेंट हो, अच्छा आयुष दीक्षांत एंड मुदित लास्ट है, आयुष दीक्षांत एंड मुदित प्रेजेंट है, आयुष का थोड़ा मुझे बताना, बाकी तो दोनों प्रेजेंट है, हम आयुष एब्सेंट है, एब्सेंट ठीक है, हो गया आपका अटेंडेंस हो गया, ठीक है अब मैं छुट्टी करती हूँ, ठीक है और भी क्लास है अभी, ठीक है और मिलते हैं कल, थोड़ा रिवाइज कर लेना चैप्टर को, थैंक यू मैम।